हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक से होंगे। स्वागत तो है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो अभी तक हमने आप लोगों को जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चार संक्रियाएं जो गणित की होती हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया। अब हम आप लोगों को यदि किसी संक्रिया में, यदि किसी समस्या में जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ दिया गया हो तो उसको कैसे हल करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम भाग, भाग गु जोग है ये क्रम अपनाते हैं। भाग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद जोग गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, अंत में घटाएंगे। तो इस क्रम से जब चलेंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। आइए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। 41 ऋण 8 गुणे 4 भागे 1 धन 3। अब इसमें हम देखेंगे कि भाग किसमें दिया गया है। तो भाग इसमें 4 में 1 से दिया गया है। तो पहले स्टेप में हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41 ऋण 8। अब गुणे 4 भागे 1, 4 में जब 1 से भाग देंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो संख्या उतना ही होती है। तो 4 में जब 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। अब धन 13, अब ये हमारा हल हो गया। हमने 4 में 1 से भाग दे दिया तो हमारा 1 चौके 4 हो गया। तो यहां पर पहले हमने भाग दिया। अब दूसरे स्टेप में गुणा है। तो यहां पर गुणा ये है तो गुणा करते हैं, लिखेंगे 41 ऋण, अब गुणा करेंगे 8 में 4 से तो 8 चौक 32 हो जाएगा। यहां पर हमारा 32 हो गया, धन 13। अब यहां पर गुणा हुआ है। अब तीसरे स्टेप में जोड़ आता है। तो जोड़ किसमें किसमें करना है, यहां पर देख रहे हैं 41 है और यहां पर 13 है। अब 32 इसमें से घटाया गया है तो 41 में से हम 13 जोड़ेंगे। 41 में 13 जब जोड़ेंगे तो ये इसको हम अगर क्रम से कर लें, 41 धन 13 ऋण 32, अब समझ में आ जाएगा आसानी से। तो अब इसको जोड़ते हैं, 3 1 4 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। 41 13 54 हो गया, ऋण 32। अब यहां पर हमने जोड़ लिया, जोड़ हो गया हमारा। अब अंतिम में घटाव है तब इसको घटा लेंगे हम। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। तो अंत में हमारा घटाव हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 22 हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसे सवालों को जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब क्रियाएं एक साथ रहती हैं, उनको इस तरीके से हम हल करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, 7 भागे 7 धन 9 गुणे 7 ऋण 45। अब इसमें हमारा पहले 7 में 7 से भाग देंगे तो जब 7 में 7 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसको शेष को वैसे ही हम उतारेंगे, क्रम से जब चलेंगे तो सवाल हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा भाग हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम गुणा पर चलेंगे। गुणा देख रहे हैं, 1 धन 9 में 7 का गुणा करेंगे 63 हो जाएगा, 9 सते 63 ऋण 45। अब तीसरे स्टेप में हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमने ये बताया है भाग जोग, ये क्रम भूलना नहीं चाहिए। अब यहाँ 63 में 1 जब जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा हमारा, 64 ऋण 45। तो ये हमारा भाग हो गया। पहले स्टेप में ये भाग, दूसरे स्टेप में गुणा, तीसरे स्टेप में हमने जोड़ दिया जोड़। अब चौथे स्टेप में हमारा घटाव हो जाएगा। तो 64 में से 45 घटाएंगे, अगर मान लीजिए नहीं घटाने आता तो इसको अलग से लिख लेंगे, 64 ऋण 45। अब यहाँ 4 में से 5 घटेगा नहीं, 1 दहाई उधार लेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ गया। अब यहाँ 1 कम हो जाएगा तो 1 कम हो गया तो 5
पांच हो गया, पांच में से चार घटाएंगे तो एक, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटा लेंगे। अगर क्षैतिज घटाव नहीं आता है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे करके घटाएंगे, आसान हो जाएगा। अब यहां हमारा उत्तर आ गया 19, तो यहां ये घटाव हो गया। तो जोड़ घटाव गुणा भाग इस तरीके से अगर एक साथ हैं तो ऐसे सवालों को हम इस क्रम में हल कर लेते हैं, तो यही हमारा अंत में उत्तर आ गया। अब अगला सवाल हमारा है, 2 ÷ 2 / 2 ÷ 2 / 2 ÷ 2। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले भाग, तो भाग हमारा 2 में 2 से पहले भाग दिया गया है तो हम भाग दे लेंगे। 2 ÷ 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, किसी भी संख्या में जब उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 1 आता है। फिर 2 ÷ 2 / 2 ÷ 2, पहले स्टेप में हमने भाग दे दिया। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे गुणा कहाँ किया गया है, तो गुणा यहाँ पर 2 में 2 से किया गया है तो इसको कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 2 ÷ 1, अब गुणा कर लेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर 2 ÷ 2, अब फिर अगले स्टेप में हम जोड़ेंगे, तो जितना जोड़ है उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ है 2 × 1 = 3, 3 × 4 = 7, 2 = 9, तो यहाँ हो गया 9 ÷ 2। अब चौथे स्टेप में हम घटाव कर लेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो यही 7 हमारा उत्तर आ गया। तो क्रम से भाग जो का क्रम अपनाते हुए चाहे जैसे सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। तो ये भाग हो गया, भा गुणा भाग जोग जो घर, तो इस तरीके से हमारा क्रम रहता है। ये इस क्रम को अपनाते हुए कोई भी सवाल आसानी से हल कर लेंगे। अगला सवाल हमारा आता हुआ स्क्रीन पर, 42 / 7 / 0। अब यहां पर देखिए दो संक्रियाएं हैं, भाग और गुणा, तो हम बताएं कि सबसे पहले भाग करेंगे, तो इसमें भाग कर लेंगे तो 42 में 7 से जब भाग करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा। अब फिर दूसरे स्टेप में गुणा करेंगे, हमने बताया कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आता है, तो इसका उत्तर 0 हो गया। हमारा अगला सवाल है, ये इबारती प्रश्न है, मिश्र संक्रिया पर इबारती प्रश्न है, इसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग सब संक्रियाएं साथ में आएंगी। देखिए, बरखा ने 20 रुपए की दर से 72 पेन और 200 रुपए की दर से 3 पुस्तकें खरीदी, उसके पास अब 6,500 रुपया बचे हैं, तो बताना है कि बरखा कितने रुपए लेकर बाजार गई थी। तो यहां दिया है 72 पेन, 20 रुपए प्रति पेन की दर से उसने खरीदा, तो 72 पेन का मूल्य, क्योंकि एक पेन का मूल्य यहां पर हमारा हल होगा, तो एक पेन का मूल्य ये 20 रुपया, तो 72 पेन का तो 20 × 72 हो जाएगा, और 200 रुपए की दर से 3 पुस्तकें खरीदी, तो धन, एक पुस्तक का मूल्य 200 रुपया, तो 3 पुस्तक का तो ये हो जाएगा 200 × 3, इतना उसने खर्च कर दिया। अभी उसके पास 6,500 रुपया शेष है, तो इसमें हम जो बचा है उसको भी जोड़ देंगे, तो इतना रुपया वो लेकर के बाजार गई थी। अब इसी को जब हम हल कर देंगे तो हमारा सवाल आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, भाग इसमें है नहीं, अब इसके बाद गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हम देखेंगे 2 × 2 = 4 हो गया, और 2 × 7 = 14 हो गया, और 1 शून्य है यहां पर, ये हो गया धन। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 शून्य आगे बढ़ा देंगे, धन 6,500 है। अब हमारा गुणा हो गया, अब इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर अगर ये क्षैतिज जोड़ना आता हो तो हम ऊर्ध्वाधर जोड़ के माध्यम से कर लें। 1,440 / 600 है, तो यहाँ 1/2 सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा है, तो सैकड़े के नीचे से लिखेंगे, 1/2 के नीचे 0, फिर इसके बाद 6,500 है, अब इसके बाद यहां लिखेंगे धन 6,500। ध्यान देना है, 1/2 के नीचे 1 हो, 1/2 के नीचे 1/2 हो, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1,000 के नीचे, अब यहां 0 हो गया,
चार हो गया, 6 4 10, 5 15 लिख देंगे, और 6 1 7, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा हमारा, तो ये 8,540 आ गया हमारा, 8,540। यही इतना रुपया वो लेकर के बाजार गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मिश्र संक्रिया के ये सवाल समझ में आए होंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।